हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से किचन से, मेरी किचन से। और आज है मंगलवार, तो आज भी मैं वेज खाती हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने बताया, आज है बजरंगबली का दिन, तो मैंने बजरंगबली की पूजा सुबह सुबह उठकर कर ली और मेरा ऑलमोस्ट आधे काम हो चुके हैं, काम ख़त्म। अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आज एकदम सिंपल सा ब्रेकफास्ट, मैं यहाँ पर वाटरमेलन एक खा लूँगी। और आज जो दोपहर का खाना भी बनाऊँगी वो बहुत ही सिंपल से। तो आज बहुत दिनों बाद मौका मिला तो मैंने मेहंदी लगा ली अपने सिर पे, तो थोड़ा सा आज बर्दाश्त कर लीजिए मुझे इस रूप में भी। बुला लिया क्योंकि वो नहा रहा था, शावर ले रहा था, तो उसको डेली शावर लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टॉयज उसको चाहिए, तो यहाँ पर मैंने उसको टॉयज भी दे दिए। और बाकी का जो फ्रूट्स है उसको भी मैं ख़त्म करने के लिए कर बैठ गई। और अभी मैं किचन में आऊँगी और आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर पनीर, गाजर और टमाटर लिए हैं और रात के कुछ बचे हुए चावल। इसको मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, अपने तरीके का फ्राइड राइस बिना प्याज लहसुन के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई बिठा दिया और इस पर मैंने डाल दिया बादाम, इनको कुछ मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, बस हल्के से ब्राउन कलर आने तक ही इनको रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद में इसको मोटर पेस्टर में डाल कर रख दूँगी कि इसको मैं कूट के उसके बाद में इसके जो छिलके हैं इनको मैं निकाल दूँगी। उसके बाद दोबारा मैंने कढ़ाई पर तेल डाल दिया, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो पनीर है छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखे हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम यहाँ पर। इसको ज़रूर बताएं, बना के देखिएगा। ये मेरी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ तो इस तरीके से मैं फ्राइड राइस करती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अभी ऑयल में मैं दोबारा कुछ मसाले डालूँगी, जैसे जीरा, कसूरी मेथी, 1 इलायची और 2-3 लौंग। उसके बाद में यहाँ पे मैंने गाजर डाल दिया, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसी पे हम डाल देंगे नमक और हल्दी, उसके अलावा कुछ मसाला नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर इनको भी अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर इनको अच्छे से पकने तक हम इनको पकाएंगे। और इसी बीच में मैं जो बादाम साइड पे रखा हुआ है उनको भी कूट लूँगी, कूट के उनका छिलका जो है निकाल लूँगी। उसके बाद उसको मैं अच्छे से कूट लूँगी काली मिर्च के साथ में, 3-4 काली मिर्च के दाने होंगे उनको मैं मिलाकर कूट लूँगी। फ्राइड राइस बना लिया, अभी मैं अपने बेटे को खाना खिला लूँगी, उसका भी नहाना ख़त्म। अभी ये फटाफट से उसको ये खाना खिला देती हूँ। বেশি করো, প্লেট সামনে করো, নাহলে সব বেড কভার পড়ে যাবে। প্লেট সামনে করো, হুম
না মুখে একদম চামচ ভরে নাও। কৃষ্ণ 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 দেখি দেখি মুখে হ্যাঁ দেখ মুখে তো এত কিছু কেন দেখ यम्मी হয়েছে দেখো यम्मी দেখো কেমনে হয়েছে। भी हो चुके हैं रात के 8 बज रहे हैं और मैंने खाना भी बना लिया है। यहाँ पर मसूर दाल बनाया और आलू फ्राई एकदम सिंपल। और हम लोग अभी चले जाएंगे सीधा पार्क में क्योंकि मेरे बेटे की ज़िद थी 2-3 दिन से उनको पार्क जाना है। फिर यहाँ पार्क से सीधा घर, घर में जाकर खाना खाना है फिर सो जाना है। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं तक, होप आपको अच्छी लगी होगी अभी तक की मेरी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। পিছনে বস ভাই পিছনে চাপা নি দেখো না বই যাও মুখ দেখো মুখ মুখ দেখো বাটি কাট মামা নি যাবে না বুঝলাম না।